हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आमीन। नमस्कार, मेरा नाम अरुण वाल्मीकि है। मैं मुल्ला गेट एरिया में रहता हूँ और मैं एक ऐसे फैमिली से आया हूँ जहाँ पहले कभी भी कोई यीशु मसीह को नहीं जानता था और ना ही उसका कभी नाम सुना था। अचानक हमारे लाइफ में एक ऐसा माहौल आया, एक ऐसा टाइम आया जब मेरी बड़ी दीदी दुष्ट आत्माओं के चुंगल में बुरी तरह फंस गई थी और उसकी यहाँ तक मौत भी होने वाली थी। मेरा पूरा परिवार और मैं बहुत ही प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और हम लोगों ने हर जगह जिन जिन लोगों को, जिन जिन चीज़ों को हम लोग पूजते थे, मानते थे, हर जगह हमने पुकारा, लेकिन कोई हमें मदद करने नहीं आया। हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। फिर मेरे रिलेटिव में से किसी ने हमें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, हमें उसका नाम बताया और तब हमें पता चला कि यीशु मसीह भी है इस धरती पर। और तब हमें प्रभु के दास का पता मिला और हम उनसे गए, बातचीत की और उन्होंने, प्रभु के दास ने हमारे लिए यीशु मसीह से विनती की, प्रार्थना की और उसी वक्त से हमारी लाइफ बदलना शुरू हो गई। मेरी दीदी को चंगाई मिली
छुटकारा मिला, मेरे पूरे परिवार को आज़ादी मिली और हमें यीशु मसीह के नाम में शांति मिली जो हमें और कहीं नहीं मिली थी पहले। उसके बाद मैंने और मेरे परिवार ने उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और उसके सामने हम सब समर्पित हो गए। वो साल 2013 था और तब से लेकर ही हम सब वचनों में और विश्वास में बढ़ने लगे। मैंने वचन में पढ़ा कि ऐसा लिखा है कि हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम देता हूँ। ये वचन मेरे मन में इस प्रकार बात किया कि ये खुद परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और तब से मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ और मैं वचनों में और टाइम देने लगा, मैं प्रार्थना में और समय बिताने लगा। उसके बाद ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया जब मेरे पास्टर के द्वारा मुझे एक ट्रेनिंग में जाने का अवसर मिला। मैं काफ़ी दिनों पहले से सोचता था कि मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चाहता हूँ, मैं संगीत को सीखना चाहता हूँ। मेरा ये दिल का ये प्रार्थना था और ये परमेश्वर ने सुना। उसके बाद मैं इस ट्रेनिंग में आया और उस ट्रेनिंग का नाम AWDT है। मैं उस ट्रेनिंग में आकर बहुत आशीषित हुआ। उस ट्रेनिंग के टीचर एंड एल्डर्स लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पवित्र आत्मा के बारे में, वचनों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में। और अब मैं ये जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया और उसने अपने प्राणों को दिया। अब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, आनंदित रहता हूँ और वचनों में जीने की कोशिश करता हूँ और पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भी जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हैं कोशिश करने के बाद भी, मेरे प्रियो वचन इस प्रकार कहता है कि चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। आप परमेश्वर को चखें, आपको वो ज़रूर उत्तर देगा जैसे मुझे दिया। आप खुश रहें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आनंद से भर दे। मैं अंत में ये कहकर अपनी गवाही को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्ते।